हेलो दोस्तों, दिस इज नेटा फ्रॉम एनसीएम मोर्चा। दोस्तों आज की जो वीडियो ब्रेक के ऊपर है, बेसिकली सबसे पहले बोलना चाहूँगा यार, पागल बनाना बंद कर दो। ये जो लोगों को पागल बनाते हो कस्टमर को, किसी के हराम के पैसे नहीं है, जिसके भी होंगे उसको भी दर्द होगा, खैर किसी के भी इतने हराम के पैसे नहीं आते हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ भाई, ये जो मतलब जहाँ मैं बोल रहा हूँ ना, वो लोग समझ रहे होंगे, ये पागल बनाना बंद कर दो। इसलिए क्या होता है, पहले भी बहुत पहले भी वीडियो डाला के बाद वो ना जब दब जाती है वीडियो, तो उसके बाद वो सजेशन आनी बंद होती है। तो लोगों से दोबारा ये वीडियो डालना डिमांड के ऊपर। क्या होता है बेसिकली, ब्रेक तो ऐसे सही लग रहे हैं, बट आप ट्रैफिक पे चलते हो तो हम एकदम से तो मारते नहीं है, हल्के हल्के ब्रेक मार होते हैं इस तरीके से। तो इस केस में क्या हुआ कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ हल्का हल्का ब्रेक दोबारा रखे और ये आपका ब्रेक पूरे दब चुके हैं, यहाँ ब्रेक नहीं लग रहे, ठीक ऐसे एकदम से लग रहे हैं और हल्के हल्के दबाएंगे पूरा दब रहा है। तो इसका बेसिकली क्या होता है, आप जाओगे बोलेंगे भाई पूरा ही चेंज होगा, ये पूरा मास्टर सिलेंडर चेंज होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। इसका खाली अंदर का एक ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड का ओरिजिनल एमसी किट आती है, मेजर किट, मास्टर सिलेंडर किट आती है, तो वो डल जाती है, जिसकी MRP 222 है आज के टाइम पे, सन 2022 में अप्रैल में। तो वही है, बट उस केस में क्या होता है, बोलते हैं भाई पूरा चेंज होगा, जो जिसकी कॉस्ट है 2000 रुपये के आसपास, फिर लेबर चार्ज अलग। तो भाई पूरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, खाली अंदर का रन डल जाता है। और यहाँ थोड़े लोगों को कन्फ्यूज़न क्या है, ये BS3 मॉडल है, BS4 तक ठीक है, BS6 जो आई हैं और BS4 के जब बंद होने से थोड़े टाइम पहले, तो नोटिस करना जैसे आप इधर आओगे, ये वाली जो है, ये जो ऊपर का कैलिपर, ये मास्टर सिलेंडर है, ये है बाइपर कंपनी का, ठीक यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और बहुत सी बाइक में इंडोरेंस के आ गए, जो BS4 और BS6 में इंडोरेंस के आ गए, तो उसका जो मास्टर सिलेंडर है वो मिलना बहुत मुश्किल करता है, क्योंकि अभी जब निकाल के दिखाऊंगा इसके अंदर है प्लास्टिक का, और उस वाले मॉडल में आ गया एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम वाला जो है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो उस केस में हमें पूरा डालना पड़ता है, ये आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि उसका लोकल मिलते हैं, लोकल कामयाब नहीं होते हैं। अगर आपके अंदर से किट एल्युमिनियम वाली निकले तो लोकल मत डालना, लोकल के कोई भी मत डालना, ओरिजिनल बहुत नहीं मिल पाती हैं, तो उस केस में पूरा डालना पड़ता है। अगर डालो BS6 वालों से ही बोल रहा हूँ, तो आप ये BS3 का डाल देना, बाइबर का, या इंडोरेंस का भी चल जाएगा उसके अंदर, क्योंकि इसमें वही आया है, BS4 में उसकी किट अलग है। तो सबसे पहले दिखाता हूँ कैसे चेंज करना है और कैसे कैसे इसका सारा प्रोसीजर रहता है। ये डालने के बाद हमें कोई ब्रेक की ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, ब्रेक वाले कुछ फालतू निकालना नहीं है, बस हम नीचे से कुछ नहीं खोलेंगे, ऊपर की कैप खोलेंगे और यहाँ से इसका लॉक खोल के मेजर किट निकाल कर दिखाता हूँ कैसे। इसको खोलने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर लूँ, ब्रेक वाले से पेंट ख़राब हो जाता है, तो आप सबसे पहले या तो कोई पन्नी लगा देंगे या इस जगह और इस जगह हल्का सा ऑयल लगा दें, ताकि जो हमारा ब्रेक ऑयल है बेसिकली पानी की तरह होता है वो, तो इस पर टिकेगा नहीं, जो छीट आएंगी। तो हमारे सबसे देसी जुगाड़ ये होता है कि आप ऑयल लगा दो, बाद में कपड़ा मार देना, और जो ब्रेक ऑयल की छीट आएंगी वो कलर ख़राब नहीं करेगी। अब इसको हम खोल लेते हैं, ये भी खोलने की वैसे इतनी पहले जरूरत नहीं पड़ती, ऑयल डालते टाइम खोलेंगे, बट हम ये खोल के देखते हैं इसको कचरा कितना है। देखो यहाँ पे लेवल, ये सारा साफ़ करना है हमें, इसको पानी से भी साफ़ करते हैं, जरूर कचरा इसने, इसकी बेसिकली रबड़ काट दी है, ये जो जमी हुई है, ब्रेक ऑयल है इतना, बट अगर देखो 11 प्रेशर, बट इसको अगर हल्के हल्के दबाएंगे, ये आ जाओ, आओ आओ आओ, ये होगा ब्रेक फेल, देखो यहाँ तक आ गए और एकदम से लग गया, अब यहीं पर, ओ भाई कहाँ तक उड़ के आ गया, देखो ओ माय गॉड व्हाट अ जंपिंग, पानी उछाल मार रहा है, कोई बात नहीं, लीवर खोलेंगे सिंपल, ये अंदर यहाँ पे लॉक होता है, लॉक को हम खोलेंगे इसको, ये इस तरीके से लॉक आ गया, उड़ भी गया, थोड़ा बच के रहना, गाना बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, नहीं लॉक मिलेगा जरा तू समझना। इसकी बेसिकली ये जो पंप रबड़ दिखाओ, ये रबड़ इसका सील का भी काम करती है और वन वे वाल का भी काम करती है, तो ये इसकी ख़राब हो चुकी है। ये पूरी हमें किट मिल जाती है रॉयल इनफील्ड की ओरिजिनल, मैं रॉयल बोलने वाला था, रॉयल इनफील्ड की ओरिजिनल, जिसका पार्ट नंबर है
594705 डंडा ए ऑब्लिक होता है, अच्छा जानता हूँ मैं, बोल देता हूँ। अब इसको डालने से पहले यहाँ की पूरी सफाई करनी है, तो इसको आप पूरा अच्छे से वॉश कर लो किसी भी चीज़ से, पानी से, मतलब तेल मत मारना। बेसिकली जैसे मैंने पहले ये बताया, ब्रेक ऑयल जो होता है ये पानी से मिल जाता है, और ऑयल, इंजन ऑयल, पेट्रोल, डीजल किसी से भी नहीं मिलेगा। अभी यहाँ मारेंगे तो अजीब सा हो जाएगा, तो सबसे अच्छा है पानी से गीले कपड़े से आप पूरा साफ़ कर लो। तो साफ़ करके मिलता हूँ थोड़ी सी देर में। सो हो गया पूरा साफ़, यहाँ से अच्छे से वॉश हो गया पूरा। अब मैं आपको बता दूँ इसको लगाने का तरीका क्या है। सिंपल खोलना है इसका, देखो रबड़ किट, लॉक, स्प्रिंग और थोड़ी सी ग्रीस भी आएगी। ठीक, पहले फिटिंग के टाइम थोड़ा सफाई का ध्यान रखना है। ये आ गया इतना, अब बहुत हल्की सी ग्रीस यहाँ लगानी ताकि रबड़ कट ना जाए लगाते हुए। इस रबड़ पे बहुत हल्की सी, और ये आउटर साइड, थोड़ा चीज़ ऐसे करके हिला के ये लग गए इनका। ठीक, अब यहाँ हमें लॉक नहीं लगाना, अभी लगा भी सकते हो कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक ऑयल डाल के इसकी एयर निकाल देंगे जो ऊपर ऊपर आई है। ठीक, अब इसका सिंपल लॉक लगा देंगे पेचकस से लगा के। बस ये लग गया लॉक। अब इसके साथ जो ये रबड़ आई थी उसे कॉलर फंसा लेंगे इसमें। अरे कहाँ पार हो गई हो या भी, इसका ना लॉक फंसता है, तो उसके रबड़ को खांचे में आप बिठा दोगे अच्छे तरीके से। बस का लीवर लगाना है, और जो इसका लीवर का पेच होगा ना उस पर ये वाली ग्रीस हल्की सी और लगा देंगे जो ये आई हुई है। थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं अभी, ताकि हमारा, क्योंकि डिब्बी ना ज़्यादा टेढ़ी है, क्लाइंट हमने अपने हिसाब से लीवर रख रखा है। हाथ इस पर बेसिकली पत्ती होती है, वो पत्ती इसमें है नहीं अभी, जिसकी वजह से क्या है ये एकदम से ऊपर आ रहा है। देखो ये चीज़ बबल मार रहा है ना, तो हम इस पर हाथ रख के दो तीन बार ऐसे ब्रेक दबा देंगे। आप चाहो तो इसके थोड़ा सा जैसे पाइप में गंदा, मैं क्या करूँगा इसके ब्लीडिंग कर दूँगा, क्योंकि देखो प्रेशर तो आ चुका है बिल्कुल सही, बट इसके ना जितना गंदा ये था थोड़ा बहुत कचरा इसमें भी होगा, तो हम पाइपलाइन का निकाल लेते हैं। वो हमारा ये वाला पेज खुल के आ जाएगा ईजिली। अब यहाँ क्या करना है, ब्रेक है दबा के रखना है इस तरीके से, यहाँ पर हमारा हाथ रहेगा, इसको दबा के रखेंगे और इसको खोलेंगे। अब जैसे ही खुलेगा ना ब्रेक फ्री हो जाएंगे, फिर इसको टाइट करना है वापसी, फिर ब्रेक छोड़ना है, ब्रेक दबाना है इस तरीके से। आप पूरा कई बार करोगे, टच लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, सारा फर्श पे गिर रहा है, तुम हट ही जाओ बेटा। दबाना है, टाइट करना है, फिर छोड़ना है, दबाना है, टाइट करना है, छोड़ना है, ऐसे करके ऑयल ऊपर कम होता रहेगा। जब तक रेड ना आ जाए ऑयल डाल देना थोड़ा,
इसके जब भी ऐसे ब्लीडिंग करो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, वन वे की तरह काम करें। हमने इसको दबाया और ये नट खोला और दबाया, नट टाइट करा फिर छोड़ा, दबाया नट टाइट करा ऐसे। अब देखो बिल्कुल रेड आने लगा, ये साफ आ गया। इसको यहीं छोड़ देते हैं। उसकी कैप लगा लेते हैं ऊपर की। बस ये कैप लगाने मत भूलना। ये हो गया, ब्रेक हमारे बिल्कुल सही हो चुके हैं। और उसको चाहे आराम से दबाओ चाहे पूरे दबाओ, ये फेल नहीं होंगे, रबड़ बिल्कुल सही काम करेगी। यही है दोस्तों, पागल मत बनो। और जो पागल बनाते हैं उनसे भाई हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मत बनाओ यार पागल, कुछ नहीं रखा। हराम की कमाई ज़्यादा नहीं पछती है, सात दिन नहीं टिक पाती। हराम की कमाई उलपटांग कामों में जाती है। छोड़ दो वो धंधे जिनके अंजाम गंदे। होप आप वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, इंतजार करें मेरे वीडियोस का। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियोस के साथ। बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।